तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है नरेशन, या उसे हम कहते हैं स्पीच। इस चैप्टर का डिमांड आ रहा था कि सर इस चैप्टर का वीडियो बनाइए, तो मैं इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि नरेशन होता क्या है और उसको कैसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसे होता है उस पर। ठीक है, आइए सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे, नरेशन, या इसे ही स्पीच बोलते हैं, नरेशन या स्पीच कहा जाता है। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देगा और कहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी आपको उसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा। ठीक है ना, तो आइए एक एग्जांपल की सहायता से हम देखते हैं। राम सैड टू मी ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है ना, यहाँ कॉमा होता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। पहले इस पर हम बात कर ले, तो देखिए गौर से समझिएगा। जब किसी वक्ता के, वक्ता यानी स्पीकर, कहने वाला, ठीक है ना, जब किसी वक्ता के कथन को, ठीक है ना, हूबहू, ठीक है, जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसके ही शब्दों में दोहरा देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब बात समझते हैं इनडायरेक्ट क्या है। यहां तो सेम टू सेम बात को सेम टू सेम रख दिया गया। ठीक है, इनडायरेक्ट में वही क्या है कि इनडायरेक्ट क्या कहता है कि जब किसी वक्ता के कथन को हम उसके शब्दों में न कहकर, ठीक है ना, उसके शब्दों में न कहकर उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब किसी वक्ता के कथन को, ठीक है ना, जब किसी वक्ता के कथन को, पहले उसके कथन को सुनना है, फिर उसके कथन को, ठीक है ना, उसके कथन को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है। सबसे पहली चीज रूल, तभी तो चेंज कर पाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसका मान सकते हैं, इसका थ्री पिलर, यानी इसके तीन बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए फर्स्ट जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं हम। पहला जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहता है कि जब आए हुए डायरेक्ट स्पीच में, आए हुए डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, ये रहा कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के पहले एक वाक्य होता है और उस वाक्य में आए हुए वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कैसे, देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो देखिए सेड जो हमारा यहां पे होगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आर से रिपोर्टिंग, बी से वर्ब, आप समझ सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए मुख्य वाक्य कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के पहले एक वाक्य होता है और उस वाक्य में जो वर्ब आया हुआ होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यहां से रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा पिलर इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान चीज है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक मुख्य वाक्य होता है उस वाक्य को ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो इनवर्टेड कॉमा यहां से स्टार्ट है, यहां क्लोज है, आप देख पा रहे हैं ही इज वेरी हैंडसम। तो ये जो हमारा यहां से यहां तक का ये सेंटेंस होगा ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी आरएस। ठीक है, अब तीसरा जो इसका स्तंभ है, पिलर है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इससे हम क्या जान पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का ही जो वर्ब है वही तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच तो ये है, ही इज वेरी हैंडसम। अब हम सर्च करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्रिया तो है ही नहीं, वर्ब नहीं है, बट यहां पे एक एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है ना, इज आया हुआ है, यही हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर दूसरा सेंटेंस रहता जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो सीधी सी बात है ईट्स जो हमारा होता वो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो जाता। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट का जो आपको मान लीजिए कि इसका स्तंभ क्या है, पिलर क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होता है, बनता कैसे है, तो ये तीन उसके पिलर होते हैं जिसके आधार पर डायरेक्ट स्पीच का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसे सॉन कहते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर में सॉन का रूल देते हैं।
SON, ठीक है। SON का मतलब क्या है? S यानी सब्जेक्ट के अनुसार, O यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और N का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है ना। एक नंबर का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन यदि आएगा तो नो चेंज होगा, ठीक है। ये तो तीन चीजें हो गई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या आ सकता है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन में मात्र दो ही वर्ड आता है, आई और वी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ये वर्ड्स होते हैं मी, आवर, अस, माई, माइन भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे इनसे रिलेटेड हो गए, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड होता है केवल यू, तो यू का रिलेशन योर से आता है, योर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो योर्स का ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैं यू और योर लिखा हुआ। ये होता है सेकंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में आपको दे हो जाएगा, ठीक है, दे हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा, यानी एवरीथिंग, वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। यहां तो आपने समझ लिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। यहां चेंज भी आपने सीख लिया कि कैसे चेंज करते हैं। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको ध्यान रखना है। राम सेड टू मी, तो यहां जब इसको बदलेंगे ना, तो यहां से टू हट जाएगा और टू के स्थान पे टू हटा के मी लिख देते हैं। ये इसका रूल है कि यदि आपको सैड आया हुआ होगा सेंटेंस में, टे सैड और एक से होता है और एक होता है सेज, तो जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड को बदल देंगे टोल्ड में, याद रखिएगा, से बदल जाएगा टेल में और सेज बदल जाएगा टेल्स में, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सामने सामने मैंने लिख दिया है, आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं। सैड को टोल्ड में इनडायरेक्ट बनाते समय, से को टेल में और सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आइए मैं यहां पे बदलता हूं। और सबसे जरूरी चीज क्या, कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये को हटाकर, ठीक है, टी एच ए टी दैट का प्रयोग करते हैं। एक और यहां पे हमारा टॉपिक हो गया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो दैट लगाते हैं उसके स्थान पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आइए मैं इसको बनाता हूं। राम सेड टू मी, तो देखिए राम सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, राम टोल्ड और मी हो जाएगा, यहां से टू को हटा देंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। राम टोल्ड मी और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर ला दिए दैट, ठीक है। तो हो गया राम टोल्ड मी दैट। अब यहां देखना है ही क्या है, तो ही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन रहेगा तो एन, एन मतलब नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो ही को वैसे ही उतार देगा ही। अब चूंकि ये सेंटेंस जो है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इज है, और यहां पे ये पास्ट में है, तो इसके अनुसार ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इज का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, नहीं तो वर, तो हम ही के साथ वॉज का यूज कर देंगे। ही वॉज वेरी हैंडसम, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, राम ने मुझसे कहा वह बहुत हैंडसम है, यानी स्मार्ट है, सुंदर है। उसके बाद हम इन एड में क्या बनाए, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैंडसम, राम ने मुझसे कहा कि वह बहुत सुंदर था, यानी बातों को घुमा दिए, सीधी सी बात है, अगर सीधा सीधी बोल देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, बात को घुमा दिए उसी बात को, मतलब वही निकलेगा, बस कहने का तरीका अलग कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये सारे जो भी रूल्स हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर कॉपी में नोट करके आप घर पे कोई भी बुक ले लीजिए, या अपने मन से सेंटेंस लिखिए और फिर इसको धड़ल्ले बनाते जाइए। यहां से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछता है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।